हेलो स्टूडेंट्स, मॉर्निंग। टुडे इन जीके वी विल स्टडी अबाउट द वंडरफुल बॉडी। ओके, योर सिलेबस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। We reached at page number 38. We have to study till page number 40. Okay, for first time. So the chapter name is Our Wonderful Body. ठीक है, हमारी आश्चर्यजनक आश्चर्यचकित शरीर। ठीक है, आवर बॉडी इज लाइक अ मशीन। अ मशीन हैज अ नंबर ऑफ हिडन पार्ट्स व्हिच वर्क्स टुगेदर टू मेक इट रन। ओके, हमारा बॉडी एक मशीन की तरह है, जिस तरह से एक मशीन में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हिडन होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्ट से हमारा एक मशीन बना होता है, उसी तरह बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट से हमारा शरीर भी बना होता है। ठीक है, और बॉडी टू हैज अ नंबर ऑफ हिडन पार्ट्स ऑर्गेन्स। ठीक है, तो हमारे बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स को ऑर्गेन्स कहते हैं, बोन्स कहते हैं। ठीक है, जो कि एक साथ जुड़कर, ठीक है, हमारे एक शरीर का निर्माण करती है। ठीक है, और इस शरीर से हम डिफरेंट एक्टिविटीज को करते हैं, बहुत सारे काम को करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं चैप्टर क्या कह रहा है। हियर आर सम क्वेश्चंस अबाउट आवर वंडरफुल बॉडी, पिक आंसर्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। ठीक है, हेल्प बॉक्स से हमें आंसर ढूंढ के लिखना है इस फिल द ब्लैंक्स में। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। हमारे मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो ये तो सभी को पता होगा। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन 206। ओके, आपके हेल्प बॉक्स में 206 होगा, आप लिख सकते हैं ऐसे देख के। सेकेंड, व्हाट इज द नेम ऑफ द थिक बोन केस दैट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन। ठीक है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है एक बोन, यानी थिक बोन सेल। कहने का मतलब क्या है, एक मोटी सेल ऑफ हड्डी, एकदम मोटी हड्डी की परत जो है हमारे ब्रेन को क्या करता है, सेव करता है। ठीक है, उस हड्डी को क्या कहते हैं, तो स्कल कहते हैं। ठीक है, दो नंबर हो जाएगा स्कल, स्कल SKULL। ये भी हेल्प बॉक्स में देख के लिख सकते हो आप। नेक्स्ट है, विच सेंस ऑर्गेन्स हेल्प अस टू फील हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, तो सेंस कौन सा ऐसा सेंस ऑर्गेन है जिससे हमें हॉट एंड कोल्ड का पता चलता है। स्किन से, कोई चीज टच होता है तब हमें पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या हीट है या कोल्ड है। तो यहाँ पे थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, स्किन हो जाएगा। ओके, फोर्थ चलते हैं। थ्रू विच ऑर्गेन्स डज फूड गो फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमक। ठीक है, माउथ से स्टोमक में कौन सा ऑर्गेन से फूड जाता है। ठीक है, भोजन जो हम करते हैं वो मुंह से जाके स्टोमक में चला जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा ऑर्गेन करता है वो काम, तो वो काम करता है फूड पाइप। ठीक है, तो यहाँ पे आप फूड पाइप लिखोगे। ओके, नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी किडनीज डू यू हैव। ठीक है, तो आपके पास कितनी किडनियां हैं, तो दो किडनी होती है सभी के पास, तो दो होगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट आर फाइव सेंस ऑर्गेन्स। ठीक है, अब देखिए पांच सेंस ऑर्गेन्स का नाम लिखना है यहाँ पे, तो पांच सेंस ऑर्गेन्स में आ जाएगा आपको। देखिए छह नंबर में पहला तो स्किन हो जाएगा, ठीक है, फिर आई आ जाएगा, फिर क्या दिया हुआ है, नोज हो जाएगा, फिर ईयर आ जाएगा और टंग आ जाएगा। एक दो तीन चार पांच हो गया, तो ये पांच सेंस ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के। नेक्स्ट है, विच ऑर्गन्स इन अवर बॉडी पंप्स ब्लड। ठीक है, सात नंबर है हार्ट। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द एल्बो एंड द पाल्म।
एल्बो एंड द पाम बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी, तो आर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आर्म का ये पार्ट है बाजू का। एल्बो किसको कहते हैं, इसे कहते हैं एल्बो, ठीक है, और पाल्म इसको कहते हैं हथेली को। तो ये आपका, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। योर सिलेबस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट नाउ। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।